जगदीश कॉलोनी के सामने पाठ दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। दिनदहाड़े लूट की घटना को बदमाशों ने दिया अंजाम। मंदिर से दर्शन कर लौट रही वृद्ध महिला के गली से चोर खींच ले गए चैन। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई वारदात। शहर में इन दिनों लगातार लूट चोरी की वारदातें घटित हो रही हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बजरंगड़ बाईपास रोड स्थित संस्था सनशाइन पब्लिक स्कूल गुना में हाई स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस को देखते हुए घरों में रहकर अपने परिवार जनों के साथ पानी को बचाते हुए सूखी होली तथा तिलक होली खेलने का संकल्प लिया गया। पीजी कॉलेज में आज देखी गई छात्रों की फॉर्म भरने के दौरान भारी भीड़। अंतिम तिथि 30 मार्च होने के कारण छात्र काफी संख्या में कॉलेज में फॉर्म भरने को लेकर आए। इस दौरान कोरोना के नियमों का बिल्कुल नहीं किया जा रहा पालन। नियमों का सरेआम होता दिखा उल्लंघन। शहर में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु आज दीपेश पाटनी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुना द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया। बंदना कॉन्वेंट स्कूल के पीछे एक किराए के मकान में रह रहे नाबालिग लड़के का संदिग्ध अवस्था में मिला शव। शव को अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि शव फांसी पर लटका हुआ मिला था, जिसको उसके मित्रों द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका पीएम कराया गया एवं उसकी मृत्यु कैसी हुई इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 17 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। आज फिर हुआ कोरोना विस्फोट। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार जिले में बढ़ती जा रही है। जिलेवासियों से आग्रह है कि वो अपना ध्यान रखें और सतर्क रहें। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला गुना द्वारा आज एक महा हस्ताक्षर अभियान स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर चलाया गया, जिसमें उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लिए जाने की बात कही, जिससे कि कई हद तक महंगाई को कम किया जा सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल को प्राचार्य के माध्यम से सौंपा गया ज्ञापन। मांग की कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तथा भविष्य में संचालित होने वाले शैक्षणिक सत्र को सामने रखते हुए राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों हेतु वैकल्पिक मूल्यांकन के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं। भोपाल से गुना जा रहा ट्रेनी विमान खेत में हुआ क्रैश। दो घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्लेन में 3 लोग सवार थे, 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसान सम्मान निधि की राशि आवश्यक खर्चों में आ रही काम, बोले कृषक श्री धाकड़। ग्राम छिपोन के धनपान धाकड़ मुख्यमंत्री किसान कल्याण एवं पीएम सम्मान निधि की राशि समय पर मिलने से बहुत खुश हैं। 8 बीघा जमीन के मालिक श्री धाकड़ बताते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण तथा पीएम सम्मान निधि की 5 बार से ज्यादा राशि मिल चुकी है और प्राप्त राशि का वे खेती किसानी सहित अन्य आवश्यक कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। किसान कार्य से जुड़े श्री धाकड़ सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठाते हुए बहुत खुश हैं और इसके लिए वे प्रदेश सरकार को दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत बच्चों का वजन बढ़ाने एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने सुपोषण शिविर का हुआ आयोजन। पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत विगत दिवस महावीरपुरा आंगनबाड़ी केंद्र पर आयुष विभाग एवं RBSK की टीम द्वारा सुपोषण कैंप का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास अभियंता संघ की जिला इकाई गुना का गठन कर मनाई गई आगे की रणनीति। मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास अभियंता संघ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर धर्मेंद्र तोमर के विचारों से प्रभावित होकर गुना जिले में ग्रामीण अभियंता संघ का गठन किया गया। इसमें बहुमत एवं कार्य क्षमताओं के आधार पर निष्पक्ष रूप से सभी की सहमति से संरक्षक दिलीप देशमुख, कार्यपालन यंत्री RES जिला गुना एवं जिला अध्यक्ष अरविंद चतुर्वेदी को सर्वसहमति से चुना गया।
धरनावदा थाने में रखी गई शांति समिति की बैठक। होली जैसे त्योहारों को देखते हुए धरनावदा थाने में रखी गई शांति समिति की बैठक, जिसमें सभी वर्गों के गांव व क्षेत्र के गणमान्य नागरिक एवं समाजसेवी तथा गांव के नागरिकों को आमंत्रित किया गया। साथ में किसी भी प्रकार से माहौल न बिगड़े, सौहार्द की भावना के साथ त्योहार मनाए जाने की बात रखी गई। मुख्यमंत्री किसान कल्याण एवं पीएम सम्मान निधि मुश्किल वक्त में काफी काम की। छोटे किसान के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण एवं पीएम सम्मान निधि की राशि मुश्किल वक्त में काफी काम आ रही है। सरकार की ऐसी योजना पहले कभी नहीं आई, ये कहना ग्राम उमरी के शिवराज पुत्र गुलाब सिंह सिसोदिया का। कक्षा 12वीं तक पढ़े कृषक श्री सिसोदिया ने बताया कि उसके पास 9.5 बीघा जमीन है तथा पीएम सम्मान निधि की 5 एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण की 1 किस्त आ चुकी है, जबकि दूसरी आने वाली है। सिसोदिया ने बताया कि उसे कृषि विभाग द्वारा भी कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। समय पर खाद बीज मिलने से उसकी अच्छी खेती हो रही है। भिंदहाड़े लूट की घटना को बदमाशों ने दिया अंजाम। मंदिर से दर्शन कर लौट रही वृद्ध महिला के गली से चोर खींच ले गए चैन। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई वारदात। शहर में इन दिनों लगातार लूट चोरी की वारदातें घटित हो रही हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वे दिन दहाड़े घरों के बाहर तक लोगों के साथ लूट चोरी करने को उतारू हो गए हैं। ताजा मामला आज सुबह चौधरन कॉलोनी का सामने आया है, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने मंदिर से लौट रही एक वृद्ध महिला को निशाना बनाते हुए उसके गले से सोने की चैन खींचकर भाग खड़े हुए। ये घटना सुबह 9:30 के आसपास की है, जब महिला जैन मंदिर से दर्शन कर अपने घर लौट रही थी। इस दौरान घर के बाहर घात लगाए खड़े वाहन सवार बदमाशों ने वृद्ध महिला को घर के बाहर निशाना बनाते हुए उसके गले से सोने की चैन खींची और भाग खड़े हुए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप कहाँ गए थे? मंदिर मंदिर सामने में। तो क्या ले गए आपसे छीन के? वो कितनी तोले की थी? 1 तोले से ज्यादा थी। कितने बजे घटना है जी? 1-2 तो सवा 2। कितनी कीमत होगी उसकी? 260,000 कम से कम। 60-70,000। कितने लोग थे? 2 आदमी। कितने बजे घटना है जी? 9 बजे। तो ये क्या आपके घर के सामने ही है? रोड पे आए रहे आप अकेले थे का? और आप अकेले थे? वो लोग कितने थे? 2। तो आप मंदिर रोज जाते थे क्या? रोज जाते 7 बजे 9 बजे। आपने इसकी शिकायत की? तब तो आ गया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करे है? क्या नाम है आपका? लाली। पूरा नाम? लाली जैन। बजरंगड़ बाईपास रोड स्थित संस्था सनशाइन पब्लिक स्कूल गुना में हाई स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस को देखते हुए घरों में रहकर अपने परिवार जनों के साथ पानी को बचाते हुए सूखी होली तथा तिलक होली खेलने का संकल्प लिया गया। इसमें स्कूल के हाई स्कूल छात्र छात्राओं की प्राचार्य सुश्री नीता तिवारी आदि उपस्थित रही। आज मैंने बच्चों को होली घर में खेलने के लिए, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए जो हमें गाइडलाइन मिल रही है कि घर में होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार जो है भोजपुर में ही मनाना है, और क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो मैंने बच्चों को कहा कि बेटा आप यहाँ पे शपथ लीजिए कि हम घर में ही होली का त्यौहार मनाएंगे कलर से, और सूखी होली खेलेंगे, इससे हमारी पानी की भी बचत होगी। और सबको ये भी शपथ दिलवाई कि सबको कहना कि नहीं, घर में ही होली खेलना है, क्योंकि अभी कोरोना काल में बाहर नहीं निकलना है, भीड़ भाड़ से दूर रहना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल को प्राचार्य के माध्यम से सौंपा गया ज्ञापन। मांग की कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तथा भविष्य में संचालित होने वाले शैक्षणिक सत्र को सामने रखते हुए राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों हेतु वैकल्पिक मूल्यांकन के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित कराई जाए तथा कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के आंकलन के पश्चात ही कुछ समय अंतराल के बाद स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं हेतु भी यथा उचित निर्णय लिया जाए। जैसा कि सभी को ज्ञात है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो समय समय पर छात्र हितों में अपनी आवाज उठाता रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कोरोना फिर से अपने पैर पसार रहा है,
जिससे शैक्षणिक संस्थाएं भी इसके प्रकोप से प्रभावित हो रही हैं और विद्यार्थियों की परीक्षाएं समय आ रही हैं। तो विद्यार्थी परिषद छात्र ध्रुव में ये मांग करने के लिए प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिया उस मुख्यमंत्री जी के नाम कि छात्रों के मन में जो भय है कि परीक्षा होंगी नहीं होंगी, ओपन बुक्स होंगी या किस तरह से होंगी, तो इस स्थिति को क्लियर करके छात्र असमंजस में पड़े हैं उसको दूर किया जाए। और एक सुझाव भी विद्यार्थी परिषद ने प्रांत स्तर पर ही मोहन यादव जी को दिया है कि प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं वैकल्पिक कराकर और उनका परिणाम आने के बाद अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी इसी तरह कराकर छात्रों की परीक्षा ली जाए ताकि कम समय में उनकी परीक्षाएं होंगी और कोरोना के प्रकोप से वो लोग बचेंगे। इस तरह से परीक्षाएं भी हो जाएंगी और कोरोना के प्रकोप से भी छात्र बचे रहे। धन्यवाद। पीजी कॉलेज में आज देखी गई छात्रों की फॉर्म भरने के दौरान भारी भीड़। अंतिम तिथि 30 मार्च होने के कारण छात्र काफी संख्या में कॉलेज में फॉर्म भरने को लेकर आए। इस दौरान कोरोना के नियमों का बिल्कुल नहीं किया जा रहा पालन, नियमों का सरेआम होता दिखा उल्लंघन। एक तरफ तो जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन है, यही कोरोना में कोरोना वायरस का जो बढ़ावा मिल रहा है प्रशासन कहीं ना कहीं जीवाजी प्रशासन मदद कर रहा है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं रविवार को लॉकडाउन लगा रहे हैं हर ज़िले में, और दूसरी तरफ अपने शहर के सबसे बड़े पीजी कॉलेज के ये हाल हैं। यहाँ कोरोना का बिल्कुल गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है और जीवाजी प्रशासन डेट नहीं बढ़ा रही। छात्र आज बीए बीएससी बीकॉम प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र आए थे कॉलेज और जिनकी 30 लास्ट है। अब इतने छात्र हैं जीवाजी में और उसके बाद 30 लास्ट डेट है, इसके बाद भी प्रशासन ने कोई यहाँ इंतजाम नहीं किए। छात्रों की भारी भीड़ जुट रही है, कोई मास्क लगाया नहीं होता और पूरा ये कोरोना वायरस फैलाने में मदद कर रही है। शहर में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु आज दीपेश पाटनी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुना द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि गुना में पिछले एक साल से चोरी की वारदातें बहुत अधिक बढ़ी हैं। पिछले दो माह से प्रतिदिन गुना में चोरी की वारदातें हो रही हैं। आज भी चौधरन कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चैन खींचने की वारदात हुई एवं कुछ दिन पहले जगदीश कॉलोनी में लाखों की चोरी हुई। जहाँ तक जिले की सबसे प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र मन टेकरी पर चोरी हुई, उन अपराधियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया, जिससे कि चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिससे आमजन को पुलिस का ढीला रवैया एवं अपराधियों को संरक्षण देना नजर आ रहा है। शहर की खुशहाली एवं गुना में शांति बनी रहे इसके लिए अपराधों पर अंकुश लगाए जाना आवश्यक है। आज जैसे देखा गया दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला की चेन खींची गई, कुछ दिन पहले घरों में लाखों की चोरी हुई, पिछले दो तीन माह में गुना में प्रतिदिन चोरियों का हमें चोरी अपराध दिख रहा है, जुर्म हो रहा है। कहीं ना कहीं जो अपराधी है पूरे बेखौफ है, रंगदारी गुंडादर्दी सब चरम पे है, यहाँ तक कि नशे का कारोबार भी बहुत जोर से गुना में चल रहा है। आज इन सबको हमने एसपी महोदय को इन सब बातों के बारे में बताया, एसपी महोदय ने आश्वासन दिया, उन्होंने हमें ये बात बताई कि चाहे कोई भी अपराधी हो और चाहे वो पुलिस का भी कोई अगर सिपाही गलती करेगा तो उस पर भी वो कार्रवाई करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा जो एसपी महोदय ने हमें अपना जो भरोसा दिखाया और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज समस्त जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद जो एसपी महोदय ने हमारे बात को सुना और हम सबको आश्वासन दिया गुना शहर में जल्द से जल्द पूरे अपराधों को ख़त्म करने के लिए और जोर से कार्य करेंगे। बंदना कॉन्वेंट स्कूल के पीछे एक किराए के मकान में रह रहे नाबालिग लड़के का संदिग्ध अवस्था में मिला शव। सबको अस्पताल लाया गया, बताया जा रहा है कि सब फांसी पर लटका हुआ मिला था, जिसको उसके मित्रों द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका पीएम कराया गया एवं उसकी मृत्यु कैसी हुई इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी। घर से रोजीना दोस्तों के साथ रहता था, आज मैंने ही फोन लगाया था कुछ देर पहले, फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, फिर बड़े को लगाया, उसने रिसीव किया, उसने कहा चाचा हॉस्पिटल आ जाओ, सूरज ने फांसी लगा ली। मैं जहाँ आया इतनी दोस्ती थी, दोस्त आते ही रहते थे, वंदना स्कूल के पीछे बता रहे हैं दोस्तों के कमरे में फांसी लगा ली, बाहर से लॉक लगा था, बाद में जाके लॉक निकाला तब वो मालूम पड़ा कि फांसी लगा ली,
लड़का स्टूडेंट था? हाँ पढ़ता था ना क्राइस्ट स्कूल में। कौन सी क्लास में? दसवीं में। सर निवास कहाँ था लड़के का? निवास भार्गव कॉलोनी ओवर ब्रिज के पास। वहाँ से बंदा स्कूल के पीछे लगा? हाँ बंदा स्कूल के पीछे। कितने बजे घटना है आज की? अभी तो हमको तभी मालूम पड़ा है, कितने बजे घटना है पता नहीं, आधे घंटा पहले मालूम पड़ा है तब हम हॉस्पिटल आए। आपका क्या नाम है और आपका कौन था? मेरा भतीजा था, मैं मुकेश धाकर। कहाँ रहते हो आप? भार्गव कॉलोनी। सर आपको क्या लगता है इसमें तो हत्या? एक बालक है ना नाबालिग है, और वो बदना कॉन्वेंट के पीछे एक कमरे में चार दोस्त लोग किराए से लेके वहाँ आते जाते रहते थे, वहीं पर इसका शव मिला है। उसके मित्र और कुछ लोग शव को लेके हॉस्पिटल आ गए, और हॉस्पिटल में पीएम और इसकी कार्रवाई के बाद ही कुछ जांच अभी जारी है, तो इसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। सर शव किस स्थिति में मिला है? सब फांसी पे, अब पुलिस ने नहीं देखा, फांसी पे लटका हुआ था, और उन बच्चों ने जो लोग लाए हैं उन लेके आए हैं, और लाने के बाद यहाँ सब का परीक्षण अभी किया जा रहा है। ऑफिसियल डॉक्टर साहब हमारे आ गए, तो जो भी और विस्तृत जानकारी इसके संबंध में पीएम रिपोर्ट और अन्य चीज़ें और बातचीत करने के बाद ही मिल पाएगी। छात्र था लड़का? हाँ ये 9th क्लास में पढ़ता। सर कहाँ के रहने वाला था? बमोरी क्षेत्र का कोई गाँव है, वहाँ का रहने वाला था, लेकिन यहाँ गुना में भार्गव कॉलोनी में घर है। संजू अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला गुना द्वारा आज एक महा हस्ताक्षर अभियान स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर चलाया गया, जिसमें उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लिए जाने की बात कही, जिससे कि कई हद तक महंगाई को कम किया जा सके। जी सर पता है जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है ये क्यों चलाया जा रहा है? कि आज अपने देश में महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुकी है, उसको कम करने के लिए ग्राहक पंचायत का ऐसा मानना है कि पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो उससे महंगाई कुछ कम होगी, तो जनता को राहत। लगभग कितने परसेंट राहत मिल सकती है जीएसटी लागू करने पर? परसेंटेज का तो आकलन ऐसा नहीं है, मतलब जानकार बताते हैं कि करीब एक लीटर पर 61 रुपये के करीब 61-62 रुपये करीब लगता है, तो जीएसटी में अगर लागे ज़्यादा 28% टैक्स लगेगा, उसमें से करीब 30% तो कम हो सकता है। क्या सब नाम है आपका? रामकृष्ण। सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पता PHE के सामने सम्राट होटल के पास AB रोड हनुमान कॉलोनी रोड गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो वीवो सैमसंग MI रियलमी रेडमी आईटेल टेक्नो लावा इंटेक्स नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं, एंड वीडियोकॉन कुरोन सैमसंग माइक्रोमैक्स रियलमी रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट टीवी उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के मोबाइल बा LED 0% ब्याज दर न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4,500 रुपए से स्टार्ट हैं। नॉट वन प्लस एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी कंपनी के चार्जर डाटा केबल पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध, सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं, सभी कंपनियों के ब्लूटूथ नेक बैंड ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध, सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध, सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं, सभी कंपनियों के मोबाइल के बैक ग्लास गार्ड कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड नॉर्मल ग्लास मैट ग्लास गोरिल्ला ग्लास 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है, 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता PHE के सामने सम्राट होटल के पास AB रोड हनुमान कॉलोनी रोड गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408। गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा, अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें, आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा व रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। जगदीश कॉलोनी के सामने हमारे यहाँ लेदर जैकेट सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है, गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। ट्रिपल होजरी सेल जहाँ आप पाएंगे
बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें, साथ ही सर्दियों का धमाका। त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर, त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने, हार्ट रोड, गुना। जगदीश कॉलोनी के सामने, हार्ट रोड, गुना।